होने जा रही है बड़ी बैठक। शाम 6:30 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी की केंद्र चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा और खबर है कि बीजेपी कल अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। विधानसभा चुनाव की तरह एमपी में बीजेपी लोकसभा में भी प्रत्याशियों को लेकर चौंका सकती है। खबरों के मुताबिक एमपी में बीजेपी का नया फॉर्मूला, वर्तमान 28 में से 21 सांसदों के टिकट बदले जाएंगे। दो बार से ज्यादा सांसदों को बदला जा सकता है। प्रत्याशियों की औसत उम्र को 50 साल किया जाएगा। महिलाओं को पार्टी टिकट बंटवारे में तरजीह देगी। कार्यकर्ताओं के फीडबैक पर टिकट मिलेंगे। मूल कार्यकर्ता को ही टिकट दिया जाएगा। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने 28 में से 7 सांसदों को टिकट दे दिया था। 5 सांसदों ने जीत दर्ज की, जबकि 2 सांसदों को हार का सामना करना पड़ा। यानी 5 लोकसभा सीट बीजेपी की खाली हो गई है। यहाँ से पार्टी के लिए नए उम्मीदवारों का रास्ता खुल गया है। वहीं कई दिग्गज नेता हैं जिनको पार्टी लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो किन किन के टिकट कट सकते हैं, कौन कौन से वो नाम हैं, किन किन सीटों के नाम हैं, आपको बताते हैं। तो भोपाल से सबसे पहले किन के टिकट पर चलेगी कैची, भोपाल से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कट सकता है। ये एक जानकारी मिल रही है, सूत्र बता रहे हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम कट सकता है। इंदौर से शंकर लालवानी भी खतरे के दायरे में है, यानी कि इनके सर पर भी खतरा मंडरा रहा है। ग्वालियर अब आपको लिए चलते हैं, ग्वालियर में विवेक शेजवलकर, इनकी सीट पर भी खतरा है, इनको भी बदलकर किसी और को टिकट दिया जा सकता है। बात सतना की करते हैं, गणेश सिंह भी सत्ता में सेफ नहीं है, इनकी भी सीट इनसे ली जा सकती है। रीवा में भी जनार्दन मिश्रा पर खतरा है, जनार्दन मिश्रा का टिकट उस पर कैसी चल सकती है। अब चलते हैं रीवा से आगे, बालाघाट की बात कर लेते हैं। ढाल सिंह बिसेन की सीट पर भी खतरा मंडरा रहा है कि ढाल सिंह बिसेन को भी पार्टी यहां से अब चुनावी मैदान में ना उतारने का फैसला ले सकती है। बात करेंगे विदिशा की, विदिशा से रमाकांत भार्गव का नाम, उनके नाम पर खतरा है। मंदसौर में सुधीर गुप्ता के नाम पर भी खतरा है। इसके साथ ही खरगोन की बात करते हैं, तो खरगोन में गजेंद्र सिंह पटेल के नाम पर भी टिकैची चल सकती है। और खरगोन के बाद अब चलते हैं धार में छतर सिंह दरबार भी खतरे के दायरे में है, यानी कि उनका भी टिकट कट सकता है इस बार। धार के बाद बात सागर की कर लेते हैं, सागर में राज बहादुर सिंह के नाम पर भी कैची चल सकती है। तो यानी कि जहां जहां ये सिटिंग एमपीज की रिपोर्ट परफॉर्मेंस वाइज भी, एज बैरियर भी, यहां पार्टी इनके टिकट काट सकती है। नए फॉर्मूला के तहत मैदान में उतरेगा कौन, ये जान लेते हैं कौन से वो दिग्गज हैं। शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ सकते हैं। भोपाल से शिवराज सिंह चौहान को टिकट देना संभव है, ये जानकारी मिल रही है। बात विदिशा की कर लेते हैं, तो यहां भी शिवराज सिंह के नाम की चर्चा है कि विदिशा सीट से भी उन्हें पार्टी उतार सकती है। और नरोत्तम मिश्रा हार गए थे विधानसभा चुनाव, लेकिन मुरैना या ग्वालियर से पार्टी उन्हें एमपी के लिए चुनाव में मैदान में उतार सकती है। इसके साथ ही जयभान पवैया को ग्वालियर या मुरैना से पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। और अब नए फॉर्मूले के तहत सीट रिप्लेस किसकी हो सकती है, वीडी शर्मा प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष, ये जबलपुर से इन्हें पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। अभी खजुराहो से एमपी हैं वीडी शर्मा। इसके साथ ही फग्गन सिंह कुलस्ते की सीट भी बदल सकती है, छिंदवाड़ा से मैदान में उतर सकते हैं फग्गन सिंह। ये एक सीट जो बीजेपी के पास नहीं है, 29 सीटें हैं, 28 बीजेपी के पास है, एक छिंदवाड़ा की सीट नहीं है। यहां पर फग्गन सिंह कुलस्ते को मैदान में पार्टी उतार सकती है। तो ये है एमपी का समीकरण, कल कुछ नाम सामने आ सकते हैं, देखना ये होगा कौन से नामों पर पार्टी मोहर लगाती है। बात करते हैं अब छत्तीसगढ़ की, लोकसभा के लिए छत्तीसगढ़ में कल टिकटों का ऐलान हो सकता है। बीजेपी का फॉर्मूला यहां पर क्या है, 4 सिटिंग एमपीज का टिकट कर सकता है, 5 सीटों पर नए प्रत्याशियों को उतारना तय है। बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़ से जो सांसद विधायक बन चुके हैं,
कोरबा और बस्तर में बीजेपी को हार मिली थी। तो कल बीजेपी अपने लोकसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। एमपी के उम्मीदवारों पर भी दिल्ली में मंथन हुआ है। माना यह जा रहा है कि एमपी में भी कांग्रेस भी जल्द प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। तो बीजेपी की बात करने के बाद हम कांग्रेस की बात भी कर लेते हैं। 1 मार्च को दिल्ली में सीईसी की बैठक होगी और माना यह जा रहा है कि मार्च के शुरुआत में ही कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। क्या बीजेपी की राह पर कांग्रेस है? क्या बीजेपी के फॉर्मूले को एमपी में कांग्रेस अपना रही है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने लोकसभा के लिए जल्द प्रत्याशियों के नाम के ऐलान की बात कही है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी कल लोकसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। जहां तक एमपी की बात है, दिल्ली में दावेदारों के नाम पर मंथन हुआ है, वहीं भोपाल में नाम के पैनल भी तैयार किए गए हैं। यानी प्रत्याशियों के नाम पर बीजेपी में बस आलाकमान की मुहर की देरी है। पारिवारिक भाव में सामूहिक नेतृत्व में लेती है, तो मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता की राय शुमारी के बाद उसको विभिन्न पटलों पर रखा जाता है, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय लेता है। यह प्रक्रिया चल रही है और जल्दी वो उचित प्रत्याशी जो 29 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल को धूल चटाएंगे वो सब नाम सामने आएंगे। वहीं एमपी कांग्रेस की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पहले ही कह चुके हैं कि जल्द लोकसभा के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। भोपाल में उम्मीदवारों को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि 10 सीटों पर नाम पर सहमति बन चुकी है। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी और हमारे समस्त सीनियर लीडर्स सभी और हमारी स्क्रीनिंग कमेटी सभी ने मतलब जिस तरीके से मीटिंग हुई है उसमें डिसाइड हो चुका है कि कब लिस्ट जारी करना है। आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे हमारी दिल्ली में भी मीटिंग है और उसमें सारी चीजें सामने आ जाएंगी और जल्द से जल्द मतलब हो सकता है बीजेपी से पहले कांग्रेस की लिस्ट सामने आ जाए और लोकसभा के चुनाव में हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से काफी पहले प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया था और इस वजह से बीजेपी उम्मीदवारों को जनता के बीच जाने का ज्यादा मौका मिला। अब कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव के लिए कुछ ऐसा ही करने का सोच रही है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस उम्मीदवारों को कितना फायदा होगा, ये आने वाले वक्त में साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। तो किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस जो है वो अपने उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रही है वो हमने आपको दिखाया। जल्द ही लिस्ट जारी हो जाएगी और बीजेपी की कल पहली लिस्ट आएगी। आपको बता दें छत्तीसगढ़ की 5 से 6 सीटों पर मोहर लग सकती है। साथ ही जो ये फॉर्मूले की बात कही जा रही है बीजेपी के लिए वो हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लिए पहली लिस्ट आ सकती है। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी, केंद्र चुनाव समिति की बैठक होगी, पीएम मोदी अमित शाह बैठक में शामिल होंगे। हारी हुई सीटों पर बीजेपी का फोकस रहेगा। वो सीटें जिनमें बीजेपी जीती नहीं थी 100 से 120 के करीब की सीटें हैं जिन पर बीजेपी का फोकस रहेगा। यहां उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी जारी कर सकती है। पहली लिस्ट में छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों के नाम हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ की 5 से 6 सीटों पर बीजेपी मोहर लगा सकती है कल। तो ये है जो समीकरण मोटा मोटा जो फॉर्मूले को लेकर है। अब बात करते हैं कि बीजेपी की राह पर ही कैसे कांग्रेस है। तो मार्च की शुरुआत में ही कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट उतार सकती है। पहली मार्च को दिल्ली में सीईसी की बैठक होगी। 28 में से 10 सीटों पर नाम की सहमति बनने की बात कही जा रही है। बाकी सीटों पर 2 से 3 नामों का पैनल तैयार है। तो यह है कांग्रेस की तैयारी को लेकर एक खबर। अब बात राहुल गांधी की। एक बार फिर राहुल गांधी खाट पंचायत करने वाले हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल राजगढ़ में 100 खाटों पर किसानों के साथ चर्चा करेंगे। कांग्रेस की कोशिश लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किसानों को साधने की रहेगी। राहुल गांधी एक बार फिर खाट पंचायत करने वाले हैं। 2 मार्च को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा एमपी में प्रवेश करेगी। इसके साथ ही राहुल राजगढ़ के ब्यावरा में 100 किसानों के साथ खाट पर चर्चा करेंगे। राहुल इस दौरान किसान विरोधी नीतियों पर किसानों की राय जानेंगे। राजगढ़ में दूसरे जिलों के किसान भी शामिल होंगे। खाट पंचायत किसानों के हितों में है और राहुल गांधी से किसान अपना दर्द बयां करेंगे। रात में मंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वह खटिया पर गाँव में जाएंगे और उससे समस्या सुनेंगे। उन्हें रहने को भी मकान नहीं मिल रहा, उसमें ही लड़ रहे हैं मंत्री लोग, तो गांव कहाँ जाएंगे। और 5-स्टार संस्कृति की जो इन्हें आदत लग चुकी है पिछले 20 सालों में, वहां अब
मंत्री रात गुजारे गांव में, हाउ कैन पॉसिबल। उधर राहुल के किसानों को साधने की कोशिश बीजेपी को रास नहीं आ रही है। बीजेपी ने राहुल की यात्रा के साथ ही पूर्व सरकार की किसान नीतियों पर सवाल उठाए। कांग्रेस की खाट जनता ने खड़ी कर दी है, इसीलिए अब जनता याद आ रही है। तो मुझे वो कहावत याद आती है कि अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी तब राहुल गांधी को जनता की फिक्र नहीं थी। कांग्रेस की जब राज्य सरकारें विभिन्न राज्यों में रही, राजकुमार गायब रहे, इटली में छुट्टियां मनाते रहे। अब खाट पंचायत लगाने से न कांग्रेस का कुछ होगा न जनता का मन बदलेगा। यूपी में चुनाव के दौरान राहुल ने खाट पंचायत की थी, लेकिन तब इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। यूपी में कांग्रेस ना तो चुनाव में कुछ बेहतर कर पाई थी, ना ही संगठन के स्तर पर मजबूती पा पाई थी। अब ऐसे में राहुल खाट पंचायत एमपी में करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किसानों को साधने की कांग्रेस की कोशिश कितनी सफल होती है ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़8। अब बात उन माननीय की जिनकी ख्वाहिश कुछ बनने की है। हालांकि अभी भी वो विधायक है लेकिन तमन्ना बाकी है। वो पहले बाइक में बैठकर विधानसभा जाते थे लेकिन अब उनके पास लग्जरी कार है। अब उनकी तमन्ना हेलीकॉप्टर वाले नेता बनने की है। यही नहीं, वो तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मुखिया बनने के भी सपने देख रहे हैं। कौन है ये माननीय जिनकी तमन्नाओं का अंत होता नजर नहीं आ रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। बाइक, कार और अब हेलीकॉप्टर, विधायक जी की एक और तमन्ना, अब बनना है हेलीकॉप्टर वाला नेता। गृह मंत्री की फिर सीएम बनने की तमन्ना। कभी बाइक से विधानसभा पहुंचने पर विधायक जी चर्चा में आए और फिर नई कार लेकर सुर्खियों में आ गए। अब फिर से विधायक जी की एक और तमन्ना है, अब वो हेलीकॉप्टर वाले नेता जी बनना चाहते हैं। तब चुनावों के बाद में मैं कार से हेलीकॉप्टर वाला नेता बनने की इच्छा है मेरी। ये है रतलाम जिले की विधानसभा सलाना से विधायक कमलेश्वर डोडियार, जो इन दिनों खूब सुर्खियों में है। इस बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे तो नेताजी ने लग्जरी कार ले ली, जो खासी चर्चा में रही थी। चर्चा इसलिए रही क्योंकि विधायक बनने के एक महीने में नेताजी ने नई कार ले ली, अब नेताजी हेलीकॉप्टर लेना चाहते हैं। ये नहीं, विधायक जी की तमन्ना बहुत कुछ बनने की है। वो गृह मंत्री, फिर डिप्टी सीएम और इसके बाद सीएम बनना चाहते हैं। तब चुनावों के बाद में मैं कार से हेलीकॉप्टर वाला नेता बनने की इच्छा है मेरी। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जो भी है, गृह मंत्री वगैरह वगैरह, हम मेहनत करेंगे तो जा सकते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। मैं झोपड़ी में था, आप लोग नहीं लगता हो तो एक बार दोबारा फिर से जाओ। इसके साथ ही हाल ही में पैसे लेने के लगे आरोपों पर विधायक कमलेश्वर डोडियार ने कहा कि अवैध काम करवाने वाले लोग विधायक और सांसदों के पास पैसा लेकर आते हैं और उनके पास भी शराब माफिया, खनन माफिया और फर्जी क्लिनिक चलाने वाले लोग पैसा लेकर आ रहे हैं। विधायक या सांसद या कोई और प्रतिनिधि क्यों ना हो, अवैध काम करवाने वाले लोग, अवैध काम करने वाले लोग विधायकों और सांसदों के पास पैसा लेके जाते हैं, पैसा देकर और अवैध काम करवाते रहते हैं। मेरे पास भी आते ही रहते हैं। आप वो कहते हैं विधायक जी हमारे इलाके में हमारा काम चलने दो, डिस्टर्ब मत करो, ऐसा बोलते रहते हैं। मैं बताते कानून में नियम में क्या होगा, उस नियम के हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा, नियमों का पालन करो, बात खत्म। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में विधायक कमलेश्वर डोडियार ने कहा कि अगर पार्टी को कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो वो खुद ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। रतलाम से सुधीर जैन, न्यूज़8। खंडवा में मोरटक्का ब्रिज की वजह से दो जिलों की जनता परेशान हो रही है। यही नहीं, ब्रिज की वजह से दोनों जिलों के लोगों की जेब पर भी बोझ पड़ रहा है। आप जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ब्रिज का महंगाई से क्या लेना देना, तो इस रिपोर्ट में देखिए। इंदौर इच्छापुर हाईवे के तहत बड़वाह और सनावत के बीच मोरटक्का ब्रिज है। 1955 में बने ब्रिज की हालत अब जर्जर हो गई है। यही नहीं, बारिश के दिनों में नर्मदा के तेज प्रवाह और जल स्तर बढ़ने से ब्रिज डूब जाता है। पिछले साल 18 सितंबर को भी ऐसा ही हुआ, बाढ़ के पानी में ब्रिज डूब गया। बाद में नर्मदा का पानी ब्रिज से उतरा तो इंजीनियर्स ने ब्रिज की हालत जानी। इंजीनियर्स ने बड़े और भारी वाहनों पर पाबंदी लगा दी और यहीं से लोगों की परेशानी बढ़ गई। लोगों की जेब पर भी इसका असर पड़ने लगा। मसलन 23 सितंबर 2023 से भारी वाहनों का रूट बदल गया। भारी वाहन इंदौर, खरगोन, देशगांव के रास्ते आने को मजबूर। पेट्रोलियम लाने वाले टैंकर्स का 180 किलोमीटर फेरा बढ़ा। पेट्रोलियम कंपनी ने 1.38 रुपए का इजाफा किया और इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ने लगा। ये सितंबर में मोटक्का पुल से यातायात भारी वाहन के लिए बंद किया है
उसके बाद से 1.38 रुपये लीटर का अंतर आ गया है। खंडवा और बुरहानपुर जिले की जनता के ऊपर भार ज़्यादा है। उसके अलावा में महाराष्ट्र से रेट हमारे और ज़्यादा हो गए, तो व्यापार में प्रतिस्पर्धा का सामना हमें करना पड़ता है। पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त राशि दे रहे लोग इस बात से नाराज हैं। लोग नए पुल की मांग कर रहे हैं। उधर पुल की जर्जर स्थिति की वजह से लोगों को जाम का भी सामना करना पड़ता है। ब्रिज तो हमेशा के लिए हमारे लिए चिंताजनक स्थिति में रहा है पिछले 50 वर्षों से, और वर्तमान में ये जो समस्या आई है इससे करोड़ों रुपयों का इन दो जिलों में आर्थिक नुकसान उपभोक्ताओं का हो चुका है। अर्थव्यवस्था पे एक अप्रत्यक्ष टाइप का ये भार पड़ा है, लोगों की जेब के ऊपर अनावश्यक खर्च बढ़ा है, और हम आज कहाँ जी रहे हैं। मतलब ये जो ब्रिज है हम पिछले 50 सालों से देखते हैं, कभी 5 दिन के लिए पानी में डूब जाता है, कभी 10 दिन के लिए डूब जाता है, और किसी बरसात में जर्जर हो जाता है, कभी आवागमन प्रतिबंधित हो जाता है, और इस ओर कोई प्रयास तो किए नहीं गए हैं। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने फिलहाल 20 टन तक के वाहन को ब्रिज से गुजरने की अनुमति दी है। पेट्रोल और डीजल से भरे टैंकर 28 टन के होते हैं। ऐसे में तकनीकी पहलुओं का हवाला देकर अफसर टैंकर को अनुमति नहीं दे रहे। उधर जनता परेशान है, नए पुल की मांग कर रही है। अब सवाल ये है कि आखिर उनकी समस्या का समाधान कब और कौन करेगा। अमित जायसवाल, न्यूज 18, खंडवा। तो ब्रिज का महंगाई से कनेक्शन अगर आपको समझ नहीं आया है तो हम आपको यहां डिटेल देते हैं। खंडवा जिले में कुल 130 पेट्रोल पंप हैं। दोनों ही जिलों में 5 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल की रोजाना की खपत है। हर रोज 7-7 लाख का अतिरिक्त बोझ जो है वो जनता पर पड़ता है। हर महीने दोनों ही जिलों पर 2.10 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। 2.10 करोड़ का यह अतिरिक्त बोझ है, और 5 महीने में दोनों ही जिले के लोगों ने चुकाए हैं 20 करोड़ से ज्यादा रुपए। जी हाँ, 5 महीने का ये आंकड़ा है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मौसम की। दिसंबर और जनवरी के महीने में पहाड़ों पर बर्फबारी नहीं हुई, जिसके बाद अब फरवरी में तीसरी बार पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है। जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश की वादियों में बर्फ पड़ रही है। उत्तराखंड के चमोली में भी जो पहाड़ हैं वो बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा का हाल देखिए, वादियों में पूरी तरह सफेदी छाई हुई है। बर्फबारी से पहाड़ियों से लेकर सड़क तक बर्फ की परत जमी हुई है। बर्फ से रास्ते गायब हो चुके हैं, कई गांवों का संपर्क आपस में टूट चुका है। खराब मौसम के बीच एवलांच का खतरा लगातार बना हुआ है। स्नो कटर मशीन के जरिए रास्तों पर जमी बर्फ को हटाया जा रहा है। कई यात्रियों के फंसे होने की भी खबर है, जिससे चुनौती भी बढ़ गई है। अब रास्तों से बर्फ हटने के बाद ही वो सुरक्षित जगह पर लौट सकेंगे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से ये तस्वीरें सामने आई है। सोमवार से लाहौल स्पीति की कई जगहों पर बर्फबारी हो रही है। केलांग में 2 इंच तक बर्फबारी हुई, इसकी वजह से अटल टनल तक जाने वाले मार्ग में यातायात बाधित हो गया। बर्फबारी से पानी की सप्लाई में भी दिक्कत आने लगी है, क्योंकि पारा लुढ़कने से पाइपलाइन भी जमने लगी है। ऊंचाई वाले इलाकों में स्नोफॉल होने से शीतलहर चल रही है, ठंड भी सितम ढा रही है। किन्नौर में बर्फीली हवाएं चल रही है, तापमान गिर गया है। अमूमन दिसंबर और जनवरी के महीनों में पहाड़ बर्फ से गुलजार रहते थे, लेकिन इस बार इस दौरान पहाड़ शुष्क रहे, जो ग्लोबल वार्मिंग का ही असर माना जा रहा है, जिसके चलते किसान और सैलानी बेहद निराश थे। लेकिन फरवरी आते ही पहाड़ों पर एक बार फिर सफेदी लौट आई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली। सैलानियों की मुराद भी आखिरकार पूरी हुई। बड़ी संख्या में सैलानियों ने पहाड़ों की तरफ रुख किया है। बात उत्तराखंड की करें तो यहां भी हिमवर्षा देखने को मिली है। चमोली में भी बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, औली बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं। कार लिफ्ट भी ली, काफी अच्छा बर्फ हमें देखने के लिए मिला और काफी अच्छा हमने इसको एंजॉय करा। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है और हम लोग यहाँ पे अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आए थे, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत ज्यादा स्नो है और प्लेस बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है, तो मेरे हिसाब से सबको एक बार ओली जरूर जाना चाहिए। बर्फबारी होने से स्थानीय लोगों को रोजगार के मौके मिले हैं, पर्यटन कारोबारी भी खुश हैं।
अगर फरवरी की बात करें तो लगभग तीसरी बर्फबारी इस सीजन की पहाड़ों में हो रही है। लगातार बर्फबारी की वजह से जहां निचले इलाकों का तापमान गिर गया है तो वहीं ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। 3000 फीट की ऊंचाई पर जो इलाके बसे हुए हैं वहां पे लगातार बर्फबारी हो रही है। और अभी अगर बात करें तो मौसम विभाग ने मार्च के पहले सप्ताह में भी पहाड़ों में अच्छी खासी बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग ने तीनों पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। 3 मार्च तक बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, जुड़े रहिए।